भक्ति की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मन को प्रेम चाहिए। और संसार में कोई व्यक्ति हमसे प्रेम नहीं कर सकता, भले हमसे तो बहुत लोग करते हैं। जिस प्रेम को हम चाहते हैं वो कोई नहीं देगा। हमको जो प्रेम चाहिए वो सबल से चाहिए, निर्बल से नहीं। हमको जो प्रेम चाहिए, सभी को प्रेम चाहिए, हमको जो प्रेम चाहिए वो ऐसे से प्रेम चाहिए जो कि निस्वार्थी हो, ठीक है। हमको जो प्रेम चाहिए वो कोई ऐसा प्रेम करने वाला हो जो हमको ज्ञान भी दे। हमने जिस जिस से प्रेम किया होगा, आप संसार में प्रेम करके देख लीजिएगा, शुरू में बड़ा अच्छा लगा होगा, बाद में आप उस प्रेम को, प्रेम हमारे लिए करना लायबिलिटी है। एक भक्ति मतलब ये होता है कि हमारे अंदर भगवान का प्रेम ऐसा मिल जाए कि हमें लगे ना कि हमें आप किसी और की आवश्यकता है। अगर भक्ति नहीं होगी तो हम लोग मन के भिखारी होके लोगों के पास जाएंगे, भिखारी होके, कि सुनो थोड़ा प्रेम दे दो, थोड़ा ध्यान दे दो हमको, हम तुम्हारे लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं। हमारी जो मन की आवश्यकता है वो ईश्वर ही पूरी कर सकता है। हमारी जो प्रेम की आवश्यकता है, हमको ध्यान दो, अच्छा हमसे बात करो, हमसे कुछ बात छिपाओ मत, हमको राय दो, आज हम बहुत दुखी हैं, अच्छा हमारा बल दो। आपकी प्रेम की आवश्यकता ईश्वर ही पूरी कर सकता है। भक्ति कोई पूजा करने को नहीं बोलते, पूजा को एक एक्सप्रेशन है हमारी भक्ति का, कि हमने मान मैकेनिकल रूप से कुछ पूजा पाठ कर लिया, बोले भगत जी हो गए। भक्ति इज अ कन्विक्शन, आई एम लिविंग फॉर गॉड, आई विल डाई फॉर गॉड। हमको लगता है ना भक्ति मतलब बुढ़े हो जाएंगे तो भगत हो जाएंगे। सोचो मेरा संबंध एक से ही होगा, हम उन्हीं के लिए रहेंगे। ये जो इंटरनल कन्विक्शन है हमारे अंदर, एक के लिए हम खाते हैं, उन्हीं के लिए हम पहनते हैं, उन्हीं के लिए हम बोलते हैं, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, हमको वो सब कुछ दे सकते हैं जो हमें चाहिए। ये भक्ति की आवश्यकता है। और श्रीमद् भागवत हमारी उसी भक्ति को, बोलिए, बहुत बढ़ा देगा। स्वामी अभेदानंद जी के सुंदर प्रवचनों के लिए आप हमारे चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।